आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर्स से रिलेटेड। तो ट्रांसफार्मर्स के लिए अगर आप इसका सर्किट सिंबल देखें तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जूम कर दिया, ये आपके पास इसका सर्किट सिंबल है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर है क्या? ये बेटा एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करती है। ठीक है, चेंजेस हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो और लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो अगर आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज करती है, चेंजेस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अच्छा, अब ये कैसे करती है? ये भी इंडक्शन का फिनोमिना है, इसके ऊपर बेस्ड है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें, इससे भी ज्यादा आसान जो हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक कोर है ट्रांसफार्मर की, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और इस सॉफ्ट आयरन के कोर पे कि हमने यहाँ पर वायर को वाइंड किया हुआ है। और बेटा दूसरी तरफ ये हमारे पास, दूसरी तरफ भी हमने वायर को वाइंड किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें, हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई कनेक्ट की हुई है, और यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर इंड्यूस्ड वोल्टेज को मेजर करने के लिए कनेक्ट किया हुआ। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ये बात डिस्प्ले पे नजर आ रही है। तो अगर मैं इसको लेबल करना चाहूँ तो मैं इसको लेबल कर सकता हूँ कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है। जहां पर आप करंट इनपुट करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट का आप इनपुट करेंगे, उस कॉइल का नाम होता है प्राइमरी कॉइल। और जहां से आपने आउटपुट लेना है उसको आप कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल है वहां पर आप हमेशा करंट को इनपुट करेंगे, और जहां से आपको आउटपुट लेना है उसको आप सेकेंडरी कॉइल करेंगे। ये आपने वायर वाइंड की हुई होती है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद ट्रांसफार्मर कौन से फिनोमिना पे काम करता है, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल है, तो आपने एग्जामिनर को बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल ये काम करता है। ठीक है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अब बेटा यहां पर इसकी वर्किंग समझनी है। इस वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। अगर आप करंट कैरिंग वायर को याद करें तो हम कहते थे कि जितना करंट आप बढ़ाएंगे आपके पास उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। सोलेनोइड को याद करें, सोलेनोइड पे भी हम यही कहते थे करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। सही है ना? तो इससे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जितना करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होगी, इंक्रीज होगी। करंट को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब इस बात को इस वाले करंट पे देखते हैं। ये एक ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, और इस करंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट, एक करंट जो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। तो बेटा अगर आप ए से बी तक इस जगह पर देखें तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अभी आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो ए से बी के लिए अगर हम यहाँ सोचें तो ए से बी में इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और बेटा इसी तरह से बी से सी में अगर आप देखें तो करंट डिक्रीज कर रहा है। तो जब करंट डिक्रीज कर रहा है बी से सी में तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग।
तो अगर इस ए से सी कंप्लीट सोचें आप, ए से सी कंप्लीट, तो हाफ ऑफ द साइकिल यानी इस आधे पोर्शन में करंट बढ़ा और फिर करंट कम हो रहा। अब बेटा करंट बढ़ा यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई। इसका मतलब अगर ए से सी में मैं सोचूं तो मेरे जहन में यह आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। यही कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब यही चीज जरा सी टू डी में सोचें, सी से डी में आप देखें अपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, करंट इंक्रीजेस इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी और फिर करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरे साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस डायरेक्शन एंड इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसका मतलब जब ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्लो करते हैं हम किसी भी कंडक्टर में से, किसी वायर में से, तो उसके अराउंड कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो हमारे पास ये क्या कॉन्सेप्ट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग फॉर अ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट ड्राइव हो गया। तो हमने ये यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास जो है ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा ये आप इसको चले यूं सोच लें, करंट डिक्रीज हो रहा है तो चले यूं कह लें, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बेटा इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इफ दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दिस वुड बी द नेगेटिव डायरेक्शन। तो आई डोंट वॉन्ट यू टू मेमोराइज दिस थिंग, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर को ऑल्टरनेटिंग करंट दोगे उस कंडक्टर के अराउंड में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस सारे जो स्टेप्स मैंने, ये जस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट ड्राइव करने के लिए ये मैंने इसको ब्रेक किया था। तो हमें कैम्ब्रिज के लिए इसके अंडरस्टैंडिंग की ऐसा जरूरत नहीं है, वी नीड टू मेमोराइज दिस। ये एक सेंटेंस समझाने के लिए मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारे पास जब भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। तो अगर फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक करंट है एंड दिस करंट इज द डीसी करंट, ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है, ये हमारा डीसी है, और इसमें अगर आप देखें तो करंट यहाँ से जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर करंट कांस्टेंट है और फिर करंट डिक्रीज कर रहा है। मैं इसको यूं इसको एलिब्रेट कर लेते हैं, यहाँ से ये जीरो से वन, देन इट्स टू एंड देन इट्स थ्री, जीरो टू वन, देन वन टू टू, देन टू टू थ्री। तो अगर आप इसको सोचना चाहते हैं, इस पे कमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जीरो से वन, इसको भी वैसे ही ब्रेक करते हैं, जीरो से वन हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस शार्पली। आप देखें करंट यहाँ पे विद इन नो टाइम, विद स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड जीरो से मैक्सिमम हो गया करंट, लेकिन करंट बढ़ तो रहा है ना। तो जीरो से वन में व्हेन यू स्विच ऑन करंट, जीरो से वन में क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे ना कि इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन। उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन देन द करंट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, देन द करंट स्विच्ड ऑफ द करंट मैग्नीट्यूड शार्पली डिक्रीजेस। तो ओवर हियर करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे करंट स्विच्ड ऑफ हो गया। अब जीरो से वन में इलेक्ट्रिक करंट शार्पली इंक्रीजेस, तो आपने यहाँ से कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड शार्पली इंक्रीजेस, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। व्हाट एवर द बिहेवियर ऑफ करंट इज दैट वुड बी द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर दैट। देन व्हाट अबाउट वन टू टू, ये अब आप लोग मुझे मैसेज करें, वन टू टू में करंट क्या है, करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी।
इस पे कमेंट करें, आप लोग मैसेज करें, मुझे बताएं 1 to 2 में आपको क्या समझ में आता है, कैसी होगी। यस ठीक कहा बेटा आपने, वेरी गुड। तो 1 to 2 में हमारे पास जो करंट है दैट इज कांस्टेंट, दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। जी ईशा आपका भी आंसर सही है बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओके देन व्हाट अबाउट 2 to 3, अगर आप 2 to 3 में देखें करंट शार्पली डिक्रीजेस, देखें यहाँ पे स्विच ऑफ किया करंट को, एकदम करंट जीरो होगा। तो अगर आप इस पे सोचे तो 2 to 3 इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शार्पली डिक्रीजेस एज करंट डिक्रीजेस। तो यहां पर ये 3 बातें डीसी करंट में आपको समझ में आती है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, फिर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड शार्पली डिक्रीज कर। तो इसका मतलब अगर हम ओवरऑल एक जनरल बात करें तो हम क्या कहेंगे कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए ना बेटा दिस हैपेंस 0 to 1 इज इन नैनो सेकेंड्स, और ये भी नैनो सेकेंड में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास करंट आपने स्विच ऑन किया फॉर 1 आवर, तो 1 आवर में 1 नैनो सेकेंड, बल्कि नैनो सेकेंड में ऑन हुआ, नैनो सेकेंड में ऑफ हुआ। तो आप मुझे बताएं मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि कंप्लीट टाइम में करंट क्या रहा, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहा। तो जब करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कॉन्स्टेंट, विच रिजल्ट नॉन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। Anyone having any problem in this, please text me. कोई मसला है इसमें प्लीज बताइए मुझे। हाँ ठीक है। अब बेटा अब दोबारा से वापस चलते हैं इंडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। आप रिकॉल करें ये हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट की थी तो हमने ये कॉयल कंसीडर किया था, ये हमारा एक मैग्नेट था, द मैग्नेट वॉज मूव क्लोजर, हम इसको इसके करीब लेके जाते हैं, जब करीब लेके जाते हैं तो इस कॉयल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। तो इस कॉयल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता था, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक करंट को ड्राइव करता था, वो करंट इस तरह से फ्लो करता था कि वो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इस चेंज को रोकने के लिए करंट फ्लो करेगा, और अगर यहाँ पर इसको अवे लेके जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। याद करें हमने लेंज लॉ में कहा था द करंट इंड्यूस्ड विल ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज फ्लो टू स्टॉप द कॉज विच इज कॉजिंग इट। करंट हमेशा, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को क्या होगा बेटा, वो उन चार्जेस को वो ये सोचेंगे, मतलब उनके पास ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज ना हो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ना हो। तो इसका मतलब जो भी करंट यहाँ पे इंड्यूस होगा, जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, हमेशा ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच इज कॉजिंग इट, दैट वाज लेंज़ लॉ। फिर फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि जितना आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, या इन अदर वर्ड्स जितना ज्यादा यहाँ पर फील्ड में चेंज आएगा उतना ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने फेराडेज के लिए क्या कहा था, फेराडेज में हमने ये कहा था, फेराडेज के मुताबिक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख दें, फ्लक्स लिंकेज आपको भूल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दें, एक्सेप्टेबल है बेटा ओ लेवल्स में। तो फैराडेज के मुताबिक जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये करंट को इंड्यूस करेगा, और वो करंट हमेशा इस तरह से फ्लो करेगा कि
कि वो उस कॉज को हमेशा अपोज करेगा। दैट वाज आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। उसके बाद फैराडेज में बेटा हमने एक चीज और पढ़ी थी, फैराडेज के मुताबिक हमारे पास जो कॉजेस थे ये हमारे पास बेटा फैराडेज में हमने आइडेंटिफाई किए थे, मैंने लिखे थे बोर्ड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मूव द मैग्नेट इन और आउट फास्टर, स्पीड बढ़ा दे मैग्नेट की, ठीक है, और इंसर्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर, इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉयल, इस कॉयल का एरिया बढ़ा दे, इससे भी आपके पास इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अगर आप याद करें तो ये यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए मैं आपको ये याद करा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक जो फैराडेज लॉ था, अब उसके मुताबिक अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या इफेक्ट आएगा। अब बेटा जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सॉरी ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, जहां से आउटपुट ले रहे हैं सेकेंडरी है, जहां पे इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल कॉइल विच इज कनेक्टेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये अगर पूछ ले वो आपसे तो आपने इस तरह से इसको डिफाइन करना है। सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, जहां से आउटपुट एसी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज पे स्कोर नहीं मिलेगा, आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखिएगा, ठीक है, चेंज होती हुई। अब बेटा जो करंट प्राइमरी कॉइल को सप्लाई करेंगे वो आईपी होगा। देखें आई का मतलब क्या है, आई का मतलब आपके पास है करंट, और सबस्क्रिप्ट में जो पी आ रहा है दैट मींस प्राइमरी, तो करंट इन प्राइमरी। वीपी, वी स्टैंड फॉर वोल्टेज एंड पी स्टैंड फॉर प्राइमरी, तो वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, तो पी 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 मींस पावर, और ये सबस्क्रिप्ट का पी जो है ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट करेगा। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एंड पी स्टैंड फॉर प्राइमरी। तो सिमिलर वे अगर ये आई पी प्राइमरी का करंट है तो आई एस सेकेंडरी का करंट होगा, सेकेंडरी कॉइल का, वी एस सेकेंडरी की वोल्टेज होगी, जो ये सबस्क्रिप्ट में एस आ रहा है दैट रिप्रेजेंट सेकेंडरी वोल्टेज, और सबस्क्रिप्ट में जो पी आ रहा है दैट रिप्रेजेंट्स प्राइमरी वोल्टेज। तो आई वी पी और एन का मतलब तो आपको आता है, आई मींस करंट, वी मींस वोल्टेज, पी मींस पावर, एन मींस नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सबस्क्रिप्ट में पी लिखा होगा तो प्राइमरी कॉइल बन जाएगा, और अगर एस लिखा होगा तो सेकेंडरी कॉइल बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास अगर आप देखें ये सॉफ्ट आयरन कोर पे ये जो कॉइल वाइंड की हुई है इसको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी है, ये वायर्स इंसुलेटेड वायर्स हैं, जैसे हमारे घर में इंसुलेटेड वायर्स होती हैं, यहाँ पर ये जो कॉइल है ये जो वायर्स हैं ये भी इंसुलेटेड है, ठीक है। तो कहीं से अगर आप देखें सेकेंडरी कॉइल को कहीं से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक। अब होगा क्या, अब मैं इसके स्टेप्स में यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप वन, अब सोचें ऑल्टरनेटिंग करंट इज सप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल। अब पहला सवाल ये पैदा होता है व्हाई ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इसलिए चाहिए कि हमने अभी देखा कि फैराडेज ने कहा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज असेंशियल है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। तो हमने यहां पर देखा इफ वी गॉट अ डायरेक्ट करंट तो देर इज नो चेंज, वहां पर नॉन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को देखें तो कंटिन्यूसली ऑल्टरनेटिंग करंट से हमें क्या मिलेगा, हमें कंटिन्यूसली वेरिंग चेंजिंग ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा वो हमें यहाँ पे सप्लाई होगा, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, ये एसी और डीसी का अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एसी क्यों यूज कर रहे हैं डीसी क्यों नहीं यूज करते, तो वही समझा रहा हूँ कि जो एसी है वो एसी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, एक चेंज होती हुई वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायरेक्ट करंट डीसी होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड होगी। तो फॉर इंडक्शन अगर हम चाहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो तो उसके लिए हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चेंज होती हुई वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दैट्स व्हाई द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बात सबको क्लियर होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें। ओके ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, हमने प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट दिया तो दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने डिस्कस किया, और कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होती हुई। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। दोबारा से देख ले, ऑल्टरनेटिंग करंट में यहां पर ए से बी करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बी से सी में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, सी से डी में मैग्नेटिक फील्ड अगेन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ इंक्रीज हो रही है फील्ड, यहाँ डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो कंटिन्यूसली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और ये देखें, दोबारा से स्क्रैच से सोचें, जीरो से, बिल्कुल जीरो से, मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी वायर किसी कॉइल के अराउंड प्रोड्यूस होगी, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, कि करंट आपके वन ऑफ द फैक्टर करंट है। तो करंट आपके पास जो है कितना फ्लो कर रहा है, अगर एक वायर में 1 एम्पेयर करंट है और एक में 3 एम्पेयर, तो मैग्नेटिक फील्ड 3 एम्पेयर की स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, 3 एम्पेयर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम लोग यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, तो वो करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग में मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देखो ए से बी इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, बी से सी में डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, सी से डी में फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है। तो कंटिन्यूसली द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसके वजह से हमारे पास जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो क्या हो रही होगी, वो वेरी हो रही होगी। तो ये वाला सेंटेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेप नंबर 2 में, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वट एवर, तो कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात का आप लोग आंसर करें, ये जो यहाँ पर कॉइल है, इस कॉइल को आपने करंट दिया, इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनी और वो ऑल्टरनेटिंग चेंज होती हुई। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है, कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स में यूज होते हैं। तो यहां पर अब मुझे एक बात समझाएं, कि एक देखें, एक बात अपने जहन में बिठाएं, पहले तो एक बात बहुत क्लियर करें, ये जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे इस जगह पर इस कॉइल से, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बहुत बड़ी फील्ड नहीं होगी, बहुत ही वीक फील्ड होती है, करंट की फील्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ना। तो अब मेरे साथ आप लोगों ने थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल को जो आपने करंट दिया, इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगी इस सॉफ्ट आयरन कोर में, यानी इस पूरे सॉफ्ट आयरन कोर को ये क्या बना देगी, मैग्नेट बना देगी। सब लोग इस बात पे मुझे फीडबैक दें, सबको ये बात समझ में आई है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसका करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगी इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। ठीक है, जब इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, अब बेटा सोचना यहां पर प्राइमरी कॉइल में कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज होता हुआ, वेरी करता हुआ। तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। जल्दी से प्लीज फीडबैक दें, दोबारा सोचें, प्राइमरी कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट दिया,
उस ऑल्टरनेटिंग करंट से आपके पास वेरी करती हुई, चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। जैसे ही प्राइमरी कॉइल में बेटा करंट बढ़ेगा तो इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट रिड्यूस होगा, सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा, करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल जो है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की है और वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा चेंजिंग नेचर का इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। ठीक है, अब बेटा इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो गया और वो भी कौन सी नेचर का, चेंज होता हुआ। अब इस कॉइल के लिए सोचो, अभी मैंने फेराडेज में क्या कहा था कि फेराडे ने ये कहा कि भाई जब भी किसी कॉइल के लिए, किसी वायर के लिए, किसी कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उस कॉइल के अंदर। अब बेटा इस सेकेंडरी कॉइल के लिए यहां पर ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है यहां पर इस सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा होगा, तो इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होना चाहिए, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। प्राइमरी देखें सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर लें कि जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है इट्स अ वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर कर लें, अपने जहन में बिठाएं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस तो हो रही है ना, तो हमने सॉफ्ट आयरन कोर को यहाँ पे लगाया ही इसीलिए कि करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। अगर करंट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। जब सॉफ्ट आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सबको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया है भाई? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया प्राइमरी कॉइल को और ऑल्टरनेटिंग करंट ने एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है बाय करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन सॉफ्ट आयरन कोर। तो स्टेप नंबर 5 क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 5 ये बन जाएगा हमारे पास के एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। दिस इज फैराडेज लॉ, इलेक्ट ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये फैराडेज लॉ के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो किस तरह से देखो, फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यही था ना। तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी कॉइल से एक जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो चेंज होने वाली नेचर की है, वेरी होने वाली नेचर की है, उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली फ्लिप कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो भी चेंज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिज्म कौन इंड्यूस कर रहा है, प्राइमरी का करंट इंड्यूस कर रहा है। तो प्राइमरी का करंट जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी में जो करंट है वो वेरिंग चेंजिंग नेचर का है, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो भी वेरिंग या चेंजिंग नेचर की है। तो सेकेंडरी कॉइल के लिए कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसलिए सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए इस पे, ये बात सबको क्लियर होगी है बेटा किस तरह से ट्रांसफार्मर में इंडक्शन होती है, ये प्लीज इस पे अपना फीडबैक दे दीजिए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, सप्लाई जो हो रहा है, इसका पर्पज हमें मतलब यहाँ पे कैसे इंडक्शन होती है ये समझ में आ रहा है। तो बेटा अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन को, तो भले वायर्स बेटा उसको प्राइमरी कॉइल को टच करें, इससे क्या है, वायर्स के ऊपर तो प्लास्टिक की कोटिंग हुई हुई है, तो वो तो इंसुलेटेड वायर्स है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो वायर्स हैं यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं, ये जो वायर्स यहाँ पे इंसुलेटेड,
है, ये रैप किया हुआ है जो वाइन कीवी है, तो ये वाइन कीवी वायर्स पे बेटा ये इसके ऊपर कोटिंग होती है, तो ये इंसुलेटेड है, ये करंट इन प्राइमरी कॉइल से इस पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर जो मेरे जहन में इस वक्त बढ़ रहा है, नंबर वन जो ये है टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज दे रही है। अब इस बात को समझाता हूं, ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, देखो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपस में इलेक्ट्रिकली तो लिंक नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली तो लिंक नहीं है ना बेटा, ये इंसुलेटेड वायर है, ये भी इंसुलेटेड वायर है, इसका करंट को इसको थोड़ी मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं है, लेकिन मैग्नेटिकली लिंक है। कैसे लिंक है? देखो प्राइमरी की करंट की से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रही है। अगर प्राइमरी का मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिज्म चेंज होगा तो सॉफ्ट आयरन कोर का चेंज होगा, यानी यहां पर जो सेकेंडरी कॉइल है उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक होगी? मैग्नेटिकली लिंक हुई है ना, और किसने लिंक किया? इस सॉफ्ट आयरन कोर ने लिंक किया, ठीक है। दैट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इन दोनों के दरमियान लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए। दोबारा गौर से सुनो, प्राइमरी कॉइल में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड बना ऑल्टरनेटिंग, वो इंड्यूस हो रहा है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा सेकेंडरी में भी बढ़ेगा, प्राइमरी में अगर कम होगा तो सेकेंडरी में भी कम होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्राइमरी जनरेट कर रहा है वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है सेकेंडरी के साथ, ठीक है, वो डायरेक्ट लिंक कर रहा है सेकेंडरी के साथ। अगर आपके पास ये एक सर्टेन एरिया है, इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ये कितनी फील्ड लाइंस इसको पास कर रही है, व्हेन यू मेजर दैट दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अगर आपको फ्लक्स का वर्ड डिस्टर्ब कर रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। ये लिंकेज वाली बात समझ में आ गई है? दूसरा बेटा सबसे कॉमन जो आंसर लिखा जाता है, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो इसका पर्पज है असल वो क्या है, वो है यही है कि ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्रोवाइड करता है, ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें, तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग के बारे में पता लग गया, इंडक्शन कैसे होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, अब वो हम देखते हैं कि हम अपने ट्रांसफार्मर को किस बेटा प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो इस सॉफ्ट आयरन कोर के जरिए इसको जाके डिस्टर्ब कर रही है। अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं होगा
तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसको जाके डिस्टर्ब करेगी उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। तो ये प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो जनरेट होती है वो सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगी। वो जो सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटिक इफेक्ट है वो यहाँ पर सेकेंडरी को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, सेकेंडरी के लिए चेंज आ रहा है, इसको फ्लक्स लिंकेज कहेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से लिंक कर रही है। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि हम ये देखें कि हमारे पास ये जो प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, बेटा मैं 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर चाहता हूँ। अब 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर कब होगा? जितना हम इनपुट देंगे, जो प्राइमरी पे पावर आप सप्लाई करेंगे, ये जो पावर प्राइमरी को सप्लाई करेंगे इसको आप क्या कहेंगे, इनपुट पावर। ये इनपुट है ना बेटा, ये सप्लाई कर रहे हैं आप, और जो पावर सेकेंडरी पे आपको मिलेगी दैट वुड बी द आउटपुट पावर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पे वैसे ही बना लें पहले, दैट इज अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबको पता है पावर आउट अपॉन पावर इन, ये रेशियो होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पावर आउट अपॉन पावर इन एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया ट्रांसफार्मर का। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबने वर्क एनर्जी पावर में एफिशिएंसी पढ़ी हुई है, तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है। तो अब मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि मैंने 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर लिया है, तो इसका मतलब पावर सप्लाई टू प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट एट सेकेंडरी, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होंगे। जब इनपुट और आउटपुट बराबर होंगे, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इनपुट पावर ट्रांसफार्मर का और आउटपुट पावर दोनों क्या है, बराबर है। आप भले इस फॉर्मूले पे भी सोच लें, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को, इसको सपोज दैट आप पी कह लें, इनपुट आपके पास पी है, आउटपुट भी पी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसकी परसेंटेज बना लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 × 100 ये 100% आ जाएगा। अब समझे मैं जो कह रहा हूँ, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट और इनपुट पावर्स जो हैं वो बराबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? पावर का फार्मूला हमने इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला पढ़ा था, दैट वॉज पी इज इक्वल टू वी आई, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर का बेटा फॉर्मूला था। तो इसका मतलब पावर इन प्राइमरी वुड बी वी पी इंटू वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है पावर इन सेकेंडरी सोचें, तो आप कहेंगे वी एस इंटू आई एस। ये जो पी है ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वी है ये वोल्टेज को। तो वोल्टेज इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी, इनका प्रोडक्ट, यानी प्राइमरी की वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो है पावर इन प्राइमरी बताएगा, और इसी तरह से सेकेंडरी की वोल्टेज और उसके करंट का प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी की पावर बताएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वी पी आई पी इज इक्वल्स टू वी एस आई एस, ठीक है। और अगर मैं रेशियो बना लूँ वी एस अपॉन VP की, तो ये बन जाएगा IP अपॉन IS। मैंने क्या किया, इस VP को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और IS को इधर शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो IS यहाँ चला गया, तो ये IP, ये वाला IP यहाँ आ गया और ये वाला IS यहाँ आ गया। तो ये IP अपॉन IS इक्वल टू ये वाला VS यहाँ आ गया और ये वाला VP यहाँ आ गया। तो ये मेरे पास एक रेशियो बन गई इक्वेशन की, ठीक है। ये अब याद रखना है, ये 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास वोल्टेज का रेशियो आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो समझने की जरूरत है आपको, और वो ये है कि हमने कहा कि हमारा पावर जो है वो वी आई के इक्वल है, और हमने कहा कि ट्रांसफार्मर का जो पावर है दैट इज कॉन्स्टेंट, 100% है ना, चेंज नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट है।
तो कोई मुझे वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन बता सकता है कैसा रिलेशन बन रहा है? आपके पास ये पी इज इक्वल टू वी आई है, तो ये किस तरह की प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है वी और आई के दरमियान? यस सही है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है। याद करें जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो वो एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल होती हैं। जी तो ये आपके पास वी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद करंट। जी बेटा बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर वन बन गया। और ये कब है बेटा? ये उस वक्त है जब पावर आपके पास कांस्टेंट है। अच्छा अब इसी वक्त एक और चीज रिकॉल करें, और वो चीज क्या थी बेटा? वो चीज ये थी कि आपके पास वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई होता है। ये भी आपने पढ़ा है। कौन सा ये लॉ है? ये आपने ओम्स में पढ़ा है। तो जब वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई है तो कौन सी चीज कांस्टेंट थी? रेजिस्टेंस कांस्टेंट थी। वी इज इक्वल्स टू, देखो ओम्स की इक्वेशन क्या है बेटा? ओम्स की इक्वेशन है वी इज इक्वल टू आई आर। तो व्हेन यू कीप दिस आर कांस्टेंट, अगर आप इस आर को कांस्टेंट करते हैं तो वी और आई क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, ये एक दूसरे से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो वोल्टेज, देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वोल्टेज और करंट तो आप कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो भाई वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उस वक्त है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल है, और ये कब होते हैं? जब पावर कांस्टेंट होती है। ये एक पॉइंट आपको जहन में रखना है, ये जहन में रखें कि इफ पावर इज कांस्टेंट देन करंट एंड वोल्टेज आर इनवर्स प्रोपोर्शनल, इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट देन बोथ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये प्लीज जहन में रखिएगा, ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इस चीज को आपने जहन में रखना। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा दूसरा आप मुझे एक थोड़ा सा और बताएं, आप लोगों को सोलेनाइड याद है ना? या अभी मैंने जो आपको यहाँ पे फैक्टर्स दिखाए थे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज हो जाए, तो उसमें हमने कहा था कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हम देखें इस ट्रांसफार्मर में कोई हम मैग्नेट यूज नहीं कर रहे, इसलिए वी कैन नॉट कंसीडर दिस फैक्टर। मूव द मैग्नेट इन और आउट, भाई मैग्नेट तो है ही नहीं, उसको इन और आउट करने क्या बात करें? इस वाले फैक्टर को, इस वाले फैक्टर को कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करें, हमने सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर लिया। तो उसके बाद कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है वो, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो है वो कैसे हम जो है यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इस बात को हमने कैसे सोचना है? इस बात को हमने यूं सोचना है कि हमारे पास जो है, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। अगर मैं चाहता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में बढ़ जाए, मैं चाहता हूं सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बढ़ जाए, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो अभी मैंने फैक्टर्स बताए, हम यहाँ पे कोई मैग्नेट यूज नहीं कर रहे, कोई मैग्नेट इन और आउट नहीं कर रहे, उसमें फैक्टर्स में सॉफ्ट आयरन कोर था, वी हैव ऑलरेडी यूज दैट। विच इज द अनदर फैक्टर विच कैन इंक्रीज आर सेकेंडरी वोल्टेज? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो सेकेंडरी का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे, तो अगर हम सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो जाएगा। देखो बेटा सेकेंडरी का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, हमें यहाँ पे सप्लाई यहाँ कनेक्टेड है, अप्लाइंस हमारी यहाँ कनेक्टेड है सेकेंडरी पे। तो इसका मतलब यह है किसी भी ट्रांसफार्मर में हम अगर ये चाहें कि हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहें तो हम सेकेंडरी के टर्न्स बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, और अगर हम चाहें कि वोल्टेज कम हो जाए तो उसके लिए हम सेकेंडरी के टर्न्स को कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, हम वोल्टेज को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स की सारी जो है कहानी है इसमें। तो बेटा अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं। ठीक है,
दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं, और वो ट्रांसफार्मर्स क्या हैं? एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? जो वोल्टेज को बढ़ाता है, टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, VS को जब हमने इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, हम उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अभी मैंने बताया कि अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम सेकेंडरी के क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब इफ नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी NS आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्न से प्राइमरी के टर्न्स बड़े हैं तो लाजिम बात है सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अभी मैंने बात की, क्लियर है बात ये? यानी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वोल्टेज है दैट इज प्रोपोर्शनल विद नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज नहीं बल्कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपके पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बढ़ जाए। अब कौन सा वोल्टेज? सेकेंडरी का वोल्टेज। तो आपने सेकेंडरी के टर्न्स को प्राइमरी के मुकाबले में बढ़ा दिया, यानी अगर फर्ज करते हैं यहाँ पर बेटा आपके पास 50 टर्न्स हैं तो आपने यहाँ पर 500 टर्न्स कर दिए, या 50 से ज्यादा कर दिए, यहाँ 50 है तो आपने 50 के बजाय 100 कर दिए, 60 कर दिए, वट एवर, प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी के टर्न्स बढ़ा दिए तो सेकेंडरी पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको कहा है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए वो 100% एफिशिएंट होगा। तो वोल्टेज और करंट क्या होते हैं बेटा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इफ इफ आई इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज तो सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझे आप? अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर मैं यहां पर वोल्टेज इन सेकेंडरी बढ़ाऊंगा तो सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा। सब एग्री करें इस बात से? हमारा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। जब ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट है तो वोल्टेज और करंट इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा। सब लोग मुझे इस पे फीडबैक दें, सबको ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देखें ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज सोचिएगा, करंट को कभी नहीं सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स से है, हम वोल्टेज पे इफेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, करंट पे थोड़ी इफेक्ट कर रहे हैं। तो वोल्टेज के चेंज करने से जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है वो करंट के साथ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, अगर इफ वी इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज तो उसका कॉन्सिक्वेंस करंट के लिए क्या आ रहा है, सेकेंडरी का करंट कम हो रहा है। और मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि आपके पास पावर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं सेकेंडरी का बेटा वोल्टेज रिड्यूस करूंगा, कम करूंगा, तो सेकेंडरी का करंट बढ़ जाएगा। तो अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये अब आपके लिए समझना आसान हो गया। मुझे चाहिए कि मेरा सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा हो प्राइमरी के वोल्टेज से, तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई डिड, मैंने सेकेंडरी के टर्न्स को बढ़ा दिया एज कंपैरिजन विद द प्राइमरी टर्न्स। तो जैसे ही मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा, जैसे ही सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा तो सेकेंडरी का करंट क्या हो गया बेटा, वो कम हो गया प्राइमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांटेड टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी, तो फॉर दैट व्हाट आई डिड, आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी। तो जैसे ही सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा, तो जैसे ही सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका करंट कम हो जाएगा। और ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग, यू आर कमेंटिंग ट्रांसफार्मर्स, नेवर कंसिडर करंट, ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ टर्न्स एंड द वोल्टेज। उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बाद करंट के ऊपर कमेंट आएगा, कभी भी डायरेक्ट करंट को नहीं सोचना। इसीलिए तीसरे स्टेप पे मैंने लिखा है इसको यहाँ। ये कौन सा ट्रांसफार्मर था? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जो वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के टर्न्स ज्यादा हैं प्राइमरी के मुकाबले में। ठीक है,
तो जब टर्न्स बढ़ेंगे तो बेटा वोल्टेज भी सेकेंडरी की बढ़ जाएगी, और जब वोल्टेज बढ़ती है तो करंट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पावर कांस्टेंट है। ये क्यों करंट रिड्यूस हो रहा है? बिकॉज द पावर इज कांस्टेंट। जितना हम प्राइमरी पे पावर दे रहे हैं उतना ही हम सेकेंडरी पे पावर ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी किस्म का ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सेकेंडरी की वोल्टेज रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो इसको वोल्टेज को रिड्यूस करना है तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं जब ट्रांसफार्मर बनाऊं जिसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम हो और प्राइमरी के ज्यादा हो, फर्ज करते हैं प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और सेकेंडरी के टर्न्स मैंने कर दिए 50, तो अब जैसे ही सेकेंडरी के टर्न्स कम हुए तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगी इंड्यूस वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स कम हुए तो वोल्टेज कम हो गई। अभी हमने पढ़ा है कि वी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद करंट, तो अगर वोल्टेज सेकेंडरी की कम होगी तो सेकेंडरी का करंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए करंट इंक्रीज कर जाएगा प्राइमरी के मुकाबले में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है, ये बात सबको समझ आई है, मुझे इस पर फीडबैक दीजिए प्लीज। ये बात स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया है। तो जब हमने वोल्टेज बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, हम नंबर ऑफ टर्न से स्टार्ट करेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे तो टू इंक्रीज सेकेंडरी वोल्टेज वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी। एज द पावर इज कॉन्स्टेंट तो व्हेन द करंट व्हेन द वोल्टेज इन सेकेंडरी इंक्रीजेस द करंट इन सेकेंडरी डिक्रीजेस। वो आपने वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी वाले रेफरेंस से, इस रेफरेंस से एग्जामिनर को समझाना। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं और इनमें एक में वोल्टेज बढ़ती है और एक में वोल्टेज को हम कम करते हैं, ठीक है। और किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए आप जो इक्वेशन याद करेंगे वो इक्वेशन ये होगी, 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। ये थ्योरेटिकल ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल लाइफ में 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास एन एस अपॉन एन पी, ये रेशियो इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी, दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो ये हमेशा आपके पास जो है क्या होगा, ये आपका ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होगा, ठीक है बेटा। ये ट्रांसफार्मर की टाइप्स होगी। अब बेटा ट्रांसफार्मर में कॉजेज ऑफ पावर लॉस, अब तो ये था, ये तो थी थ्योरेटिकल बात, लेकिन अब प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में 100% तो नहीं होता, तो वो कौन से कॉज है जिसकी वजह से पावर लॉस होती है। सबसे पहला रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आपको पता है ना हर वायर की रेजिस्टेंस होगी, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से पावर का लॉस किससे कैलकुलेट होता है, आई स्क्वायर आर। ये पावर डिसिपेशन की इक्वेशन है। तो आप क्या करते हैं, इस पावर लॉस को अगर सोचेंगे तो दैट इज आई स्क्वायर आर। तो जो करंट बेटा कॉइल के अंदर, किसी भी कॉइल में, सेकेंडरी में या प्राइमरी में, किसी भी कॉइल में, वहां पर तो वहां पर जहां पर भी आपके पास ट्रांसफार्मर का आप पावर लॉस सोचेंगे तो जो कॉइल्स वाइंड की हैं उनकी रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि करंट फ्लो करेगा उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, तो कुछ ना कुछ पावर हीट एनर्जी में यानी पावर लॉस लाजमी होगा। अब इसको बेटा अगर एग्जामिनर कहे कि आप कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से पावर लॉस हो रही है और आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, यू नो दैट आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल विद क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप देखें, आपने उस पे कॉपर की वायर वाइंड की हुई है, लेंथ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ चेंज होगी। तो आपने कॉपर इज अ गुड कंडक्टर उसको यूज किया, और दूसरे नंबर पे आपने थिक केबल यूज कर ली, और जितनी ज्यादा थिक होगी यानी डायमीटर जितना ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, उतनी कॉइल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबको ये फैक्टर क्लियर हो गया कि आपने पावर लॉस रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से होगा, और कैसे ओवरकम करेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे कि गुड कंडक्टर और थिक केबल ये आप यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एडीज करंट इंड्यूस्ड इन सॉफ्ट आयरन कोर। अब बेटा ये आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसको ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। तो अभी हमने कहा था कि प्राइमरी कॉइल में करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बेटा दो चीजों के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है बेटा। हमेशा जो
जो आपको कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे उसके लिए वोल्टेज आपको बढ़ानी है या कम करनी है, तो यू ऑलवेज कंसीडर सेकेंडरी, प्राइमरी को नहीं कंसीडर करेंगे। डिजाइन सेकेंडरी के ऊपर होगा, प्राइमरी के टर्न्स फिर तभी बढ़ेंगे या कम होंगे, सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर बेटा अब मेरी बात गौर से सुने, प्राइमरी कॉइल ने आपने करंट दिया, इस प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर क्या कर रही है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस कर रही है। अब बेटा इस सॉफ्ट आयरन कोर में भी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो सॉफ्ट आयरन कोर में भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। भाई किसी भी कंडक्टर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें ईएमएफ, उसमें करंट इंड्यूस होगा, सब एग्री कर रहे हैं। तो बेटा ये सॉफ्ट आयरन कोर भी तो एक कंडक्टर है और साथ में ये कॉइल भी कंडक्टर है, तो इन दोनों के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उससे जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो है आईएस, और जो इस बेटा इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है दैट इज एडीज करंट। तो एडीज करंट कहाँ पे इंड्यूस होता है, एडीज करंट इंड्यूस होगा बेटा आपके पास कहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। प्लीज समझे इस बात को, हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से सॉफ्ट आयरन कोर और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर में ईएमएफ इंड्यूस होगी उससे एक करंट फ्लो करेगा और वो करंट क्या कहलाएगा, एडीज करंट कहलाएगा। सब एग्री कर रहे हैं इस बात से, सबको बात समझ आई है, इस पे फीडबैक दें। प्राइमरी कॉइल देखें इंडक्शन के लिए जरूरी है, ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए तो प्राइमरी कॉइल के करंट से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, किसमें बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर में भी और इस कॉइल के अंदर भी। तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उससे जो करंट इंड्यूस होगा वो होगा एडीज करंट, और जो यहाँ पर कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है वो था आईएस, सेकेंडरी का करंट। ठीक है, अब बेटा इस सॉफ्ट आयरन कोर में जब आपके पास करंट फ्लो करेगा तो इस सॉफ्ट आयरन कोर की अपनी रेजिस्टेंस होगी ना, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होगा बेटा, पावर का लॉस होगा, यानी आपके पास हीट एनर्जी जनरेट होगी, उस हीट एनर्जी के जनरेट होने से यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा, एडीज करंट बढ़ाएगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट की अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी चार्ज की, तो वो जो कन्वर्जन होगी उससे टेम्परेचर बढ़ेगा और इन कॉइल्स का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। इस तरह से आपके पास जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ने से आपके पास क्या इफेक्ट जनरेट होगा, आपके पास पावर लॉस हो जाएगी। ठीक है भाई, इस पे मुझे फीडबैक दें एडीज करंट वाले फैक्टर पे। तो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी के अंदर पेजेस होते हैं, ऐसी थिन शीट्स ले लेते हैं और उनके बीच में लेमिनेशन कर लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड एक शीट से दूसरी शीट को लिंक ना कर सके, इस तरह से इंड्यूस करंट कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, बेटा टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो रहे होते हैं, हिस्टरेसिस लॉस भी मैग्नेटिक फील्ड के कंटिन्यूसली वेरी करने की वजह से आता है। तो मेनली जो मेरा कंसर्न है वो ये दो लॉसेज आपको याद होने चाहिए ओ लेवल्स के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल वो उसका इफेक्ट और एडीज करंट का इफेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है भाई, आपको ये लॉसेस समझ में आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब हमारे पास ये चीज क्लियर हो गई है, एफिशिएंसी भी हम फाइंड कर चुके हैं, एक छोटा सा काम है, 10 मिनट मुझे और चाहिए होंगे ताकि फिर मैं क्लास को वाइंड अप कर लूं, 10 मिनट में ये क्लास वाइंड अप हो जाएगी। ये आप इस डायग्राम पे गौर करें, ये पावर जनरेशन प्लांट है, इस पावर जनरेशन प्लांट पे यहाँ पे स्टेप अप एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ये आपकी ट्रांसमिशन केबल्स हैं, हाई वोल्टेज केबल्स हैं, ये यहाँ से बेटा स्टेप डाउन किया शहर में, जैसे कासमाबाद ग्रिड स्टेशन है, ये ग्रिड स्टेशन होते हैं कासमाबाद या लतीफाबाद, ग्रिड स्टेशन यहाँ पे आए, उसके बाद ये इन पायलन से होती हुई ये घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ से होती हुई इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है।
ऑल द वे क्या प्रोसीजर बन रहा है फ्रॉम पावर जनरेशन प्लांट टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ये बेटा ये जो नंबर वन है ये पावर जनरेशन प्लांट पे ग्रिड स्टेशन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, ये आपके पास एक ग्रिड स्टेशन है पावर जनरेशन प्लांट पे। उसके बाद बेटा एक शहर का अपना ग्रिड स्टेशन होता है। पावर जनरेशन प्लांट पे ग्रिड स्टेशन क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, और यहाँ पे हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को कम करते हैं, और ये वाला भी वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, इसको कम करता है, 240 वोल्ट या 220 जो भी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो यहाँ पे कंज्यूमर को ट्रांसमिट करेगा। तो ऑल द वे फ्रॉम पावर जनरेशन प्लांट टू द कंज्यूमर आपके पास क्या स्टेप्स बन रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो ग्रिड स्टेशन में जाएगी। पावर जनरेशन प्लांट के अंदर एक ग्रिड स्टेशन होता है जहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उसके बाद ये फीडर लाइंस हैं, ये बड़े बड़े पाइलन्स आपने देखे, ये फीडर लाइंस है, फिर शहर क्या एक ग्रिड स्टेशन होता है, फिर वहां से वो पाइलन्स के थ्रू वायर्स आती हैं, घर के बाहर ट्रांसफार्मर होते हैं, और उनसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से ट्रांसमिट होती है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफार्मर कहाँ यूज हो रहा है, टू ट्रांस फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ चीपली ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली हम इसको यहाँ पर सप्लाई करने में यूज करते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास कैलकुलेटेड चीजें हैं इसलिए टाइम कम लगेगा। मेरे पास ये एक जनरेशन प्लांट है यूँ समझे, यहाँ से मैं डायरेक्ट इस कंज्यूमर को मिस्टर बी को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहता हूँ। जनरेशन प्लांट पे हमने 5000 वॉट्स जनरेट किए है और हम चाहते हैं ये 5000 वॉट्स यहाँ पे 100% यहाँ मिल जाए, क्योंकि जनरेशन प्लांट पे जो कॉस्ट आई होगी, जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसमिट होगी कंज्यूमर को, ये उतने ज्यादा पैसे देगा, उतना ज्यादा बिल देगा, उससे हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा। अगर रस्ते में बिजली चोरी हो जाए या कोई भी लाइन लॉस आ जाए उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जनरेशन ज्यादा हो रही है, यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा वो कम पैसे देगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही है उसे, तो जब वो कम पैसे देगा तो इनके दरमियान प्रोडक्शन में और रेवेन्यू जनरेशन में क्या होगा, दोनों में यानी कॉस्ट में और रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस होगा बहुत वाइड। उससे हमारे पास जो है ये एक बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान का मौजूदा प्रॉब्लम है वो आपको नजर आता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है क्योंकि लाइन लॉस बहुत ज्यादा है, यानी चोरी थेफ्ट बहुत है, या लाइन लॉस एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। बहरहाल पहली बात तो ये एक वायर लाइव होती है एक न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। आपने ये देखना है ये लाइव वायर से करंट जा रहा है, ये लाइव वायर पॉजिटिव है, इससे करंट जा रहा है किसी भी घर में जाता है, और फिर बेटा वो वापडा का जो एनर्जी मीटर हमारे पास लगा है, वापडा का मीटर जो होता है एनर्जी मीटर है, ये एक वायर उसमें इन हो रही है और एक वायर वहां से आउट हो रही है। तो ये यहाँ से लाइव वायर से करंट आया पूरे घर में मुख्तलिफ अप्लायंसेस से होता हुआ, ये वापडा के पास करंट वापस चला गया, यानी ये लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब बेटा फर्ज करते हैं, सपोज दैट ये मैं बहुत थिक केबल यूज कर रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है, ये जो हम ट्रांसमिशन केबल में यूज कर रहे हैं 10 ओम का टोटल हमारे पास जो है ये केबल का रेजिस्टेंस है, यानी लाइव और न्यूट्रल दोनों को मिलाकर कितना है, 10 ओम है। अब मैं चाहता हूं कि 5000 वॉट्स यहाँ पे बी को डिलीवर हो जाए। अब बेटा पावर के लिए हमें पता है कि पी इज इक्वल टू वी आई, तो एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई 100 वोल्ट, एक इंजीनियर कह रहा है 100 वोल्ट और 50 एम्पेयर का करंट ले, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5000 वॉट्स बन रहा है। दूसरे ने कहा कि नहीं आप यूं करें कि आप 1000 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट ले लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी हम मैथमेटिकली तो काम सही हो रहा है, 5000 यानी इस वायर के अक्रॉस मैं 1000 वोल्ट और 5 एम्पेयर का करंट दूंगा तो यहाँ पे 5000 वॉट्स डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। एक तीसरे थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई 1000 भी नहीं, आप 5000 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट करें और 1 एम्पेयर का करंट यहाँ से रन करें। अब इन तीनों का वन बाय वन कंपैरिजन करते हैं। मिस्टर वन ने जो पहला साइंटिस्ट था इंजीनियर था उसके मुताबिक 50 एम्पेयर का करंट है, मैंने अभी बताया था पावर लॉस आई स्क्वायर आर होता है, तो अगर करंट 50 है तो 50 का स्क्वायर इसकी रेजिस्टेंस केबल की 10 है, तो ये आपके पास 25000 वॉट्स,
यानी 5,000 आपने जनरेट किए। अगर आप इस फॉर्मेशन पे सोचेंगे तो आप ए से बी तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते, तो दिस इज डिस्कार्डेड, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले को देखें, तो हमने जब इसमें 1000 वोल्ट लगाए और 5 एम्पीयर का करंट दिया, तो पावर लॉस कितना है, करंट कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और रेजिस्टेंस 10 आ गए, तो 250 वॉट्स का लॉस हो रहा है। यानी यहाँ से 5,000 वॉट्स चले, 250 वॉट्स इस केबल में जाया हो गए हीट एनर्जी की फॉर्म में, जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है दैट इज ओनली 4,750 वॉट्स। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर वाले साहब जो थे उनकी बात देखें, उन्होंने कहा था कि 5,000 वोल्ट जो है वो आप यूज करें और 1 एम्पेयर का करंट यूज करें। तो हमने जब पावर लॉस कैलकुलेट किया तो करंट हमारा 1 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस 10 है, तो यहाँ पर जो पावर लॉस आ रहा है वो आ रहा है 10 वॉट्स का। इसका मतलब अगर हम इस थर्ड वाले की बात माने तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट होगा वो 4,990 वॉट्स होगा। तो इनमें से सबसे एफिशिएंट जो था वो तीसरे वाले की कैलकुलेशन है, यानी कि जितनी हाई मैं वोल्टेज करूंगा और जितना लो करंट होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, उतना पावर का लॉस मेरे पास कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो करंट मेरे पास 50 था, पावर का लॉस देखो कितना ज्यादा आ रहा है। जितना मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, करंट को कम करूंगा, मेरे पास पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करना है तो हमें ग्रिड स्टेशन पे, सॉरी, हमें पावर जनरेशन प्लांट के साथ एक ग्रिड स्टेशन लगाना पड़ेगा जो वोल्टेज को क्या करे, बढ़ाए, और करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे हमारी जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको अपने शहर में लेके आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत हाई वोल्टेज है, इसको हम रिड्यूस करके, इसको हम कहाँ पे 13 kV, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में 13 kV यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने 13 kV बना दिया। और ये 13 kV जब घर के बाहर वाले ट्रांसफार्मर पे गया तो यहाँ से फर्दर 240 पे रिड्यूस हो गया। यानी सिर्फ एक जगह पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बाकी हर जगह पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों था और यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर जनरेशन प्लांट के साथ इसलिए लगाया ताकि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाए, करंट डिक्रीज हो जाए, ताकि एफिशिएंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन हो। ठीक है, और उसके बाद जब हम, क्योंकि बेटा ये अब लॉन्ग डिस्टेंस तो है नहीं, शहर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, अब यहाँ से ऑनवर्ड हमने वोल्टेज को गिराया और अपने कंज्यूमर तक पहुंचाया और उसके घर के बाहर भी एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, वहां से वोल्टेज को और रिड्यूस करके कंज्यूमर को हमने ट्रांसमिट कर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर एफिशिएंटली ट्रांसमिट करना है तो हाई वोल्टेज और लो करंट हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पैरेलल हमें एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, वो काम ये करना पड़ेगा कि हमने करंट को तो डिक्रीज कर दिया हाई वोल्टेज लो करंट के साथ, साथ में जो केबल की रेजिस्टेंस है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें कम करनी पड़ेगी। और वो कैसे कम करेंगे, हम थिकर केबल्स को यूज करेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हम गुड कंडक्टर यूज करेंगे और एरिया को बढ़ा देंगे ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। एक तो बेटा करंट को लो कर रहा हूँ, दूसरा केबल भी थिकर यूज कर रहा हूँ। आपने देखा है ना, जो हमारे पाइलन्स हैं, खंबे जो हैं, वहां पे जो केबल्स लगी होती हैं बहुत थिक होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, सबको ये बात क्लियर हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एफिशिएंटली कैसे ट्रांसमिट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज थिकर केबल टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ केबल। ठीक है, ट्रांसमिट द पावर एट हाई वोल्टेज सो दैट द करंट फ्लोइंग इन द केबल्स इज लोअर, द पावर लॉस इज लोअर। ठीक है, ये दैट वाज द बॉटम लाइन। ये अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ट्रांसमिशन भी आपको आ गई और आपको ये पता लग गया कि वो हाई वोल्टेज और लो करंट क्यों होता है, थिकर केबल्स क्यों यूज की जाती हैं। हमारे पास पावर जनरेशन प्लांट के साथ एक स्टेप अप ग्रिड स्टेशन लगाया जाता है और कंज्यूमर के घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सिर्फ एक जगह स्टेप अप होता है, बाकी हर जगह पे स्टेप डाउन होगा। मैं इसकी और एग्जांपल दूं, पावर जनरेशन प्लांट पे पावर जनरेट हुई
हमने इस ग्रिड स्टेशन पे स्टेप अप किया, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ये शहर के ग्रिड स्टेशन पे आई, स्टेप डाउन हुई, घर के बाहर वाले ट्रांसफार्मर पे हुई, स्टेप डाउन हुई। फर्स्ट करते हैं हम अपना कंप्यूटर जो है उसको ऑन करते हैं, उसके अंदर सपोज दैट 9 वोल्ट की उसकी बैटरी है, 9 वोल्ट की, तो ये जो 240 वोल्ट है कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होगा, वो इस 240 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो हर जगह पर वोल्टेज स्टेप डाउन होती है, सिर्फ एक जगह पे स्टेप अप होगी, और वो होगा जो आपका पावर जनरेशन प्लांट है वहां पर जो ट्रांसफार्मर